नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि सैलरीड एम्प्लॉय, फिर चाहे वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय हो, उन्हें एम्प्लॉयर की तरफ से कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जिनमें से कुछ अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, कुछ अलाउंसेस पार्शियली टैक्सेबल होते हैं और कुछ अलाउंसेस एग्जम्प्ट होते हैं। तो इन्हीं में से दो अलाउंसेस के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। पहला है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और दूसरा है हॉस्टल अलाउंस। तो अगर बात करें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की, तो ये एम्प्लॉयज के बच्चों के ट्यूशन फीस के खर्चों के लिए दिया जाता है, और ये जो अलाउंस है ये मैक्सिमम दो बच्चों के लिए दिया जाता है। तो अगर हम यहाँ बात करें इस अलाउंस के एग्जम्पशन की, तो ये जो अलाउंस है ये दो बच्चों के लिए एग्जम्प्ट है, और दो बच्चों के लिए भी पर मंथ 100 रुपये के हिसाब से ये अलाउंस एग्जम्प्ट है। तो अगर हम यहाँ बात करें दो बच्चों की, तो दो बच्चों के लिए 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीनों के लिए 2400 रुपये का एग्जम्पशन टैक्स पेयर को चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस से मिलेगा। और अगर बात करें हॉस्टल अलाउंस की, तो ये जो अलाउंस है ये एम्प्लॉय के बच्चों के हॉस्टल के खर्चों के लिए दिया जाता है। ये भी जो अलाउंस है मैक्सिमम दो बच्चों के लिए एग्जम्प्ट है, और यहाँ अगर बात करें एग्जम्पशन की, तो ये जो अलाउंस है 300 रुपये पर मंथ दो बच्चों के लिए एग्जम्प्ट है। तो यहाँ अगर दो बच्चों की बात करें, तो दो बच्चों के लिए 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीनों के लिए 7200 रुपये का एग्जम्पशन टैक्स पेयर को इस अलाउंस से मिलेगा। तो इतनी छोटी सी जानकारी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।